2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चुनाव पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी का बैठक आयोजित किया गया। चुनाव में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने खासकर सुरक्षा में लगे गश्ती दल और ईवीएम संग्रहण को लेकर कई जानकारियाँ दी। आप लोग को कल जो बुकलेट मिलेगी उसमें वो प्लान दिया हुआ है कि आपको किस बूथ पे स्टैटिक होना है। आपके पुलिस पदाधिकारी को भी ये मालूम होगा। क्लस्टर सेंटर पर है व्यवस्था, फिर भी इतने बड़े सिस्टम में हो सकता है कुछ कमी बेस रहे हैं, लेकिन उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये सब सारा आपके दायित्व में रहेगा। ये आप लोग को मैं ये चूंकि इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपका जब पोल समाप्त हो जाएगा तो बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भरना है। आपको भी एक भ्रमण पंजी का प्रपत्र भरना है कि आपने दिन भर में क्या क्या किया है। यहाँ ईवीएम भी रखा हुआ है। आप जिनको लगता है कि ईवीएम में थोड़ा और हैंडसम होना चाहिए कर ले, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर मामूली त्रुटियां अगर होती है, सुबह में कई बार होता है कि घबराहट हो जाती है, सुबह में जब मॉपर होता है तो मॉपर में भी सही से कनेक्शन नहीं कर पाते, तो फिर से आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी तो आकर के देख भी लीजिए, थोड़ा देर रुक करके, इसीलिए हम स्पेशल ट्रेनिंग ये रखें।